एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों सहित अन्य निर्दलीय पार्षदों के द्वारा जब मुलाकात की गई तो उसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल का माहौल व्याप्त हो गया और शाम होते होते कांग्रेस के पार्षद एकजुट होते नजर आए और वर्तमान अध्यक्ष के समर्थन में अपनी पूरी आस्था व्यक्त करते दिखाई दिए। कांग्रेस के पार्षदों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने चाय की गुमटी पर चाय की चुस्कियाँ लीं, साथ ही पूरे शहर में भ्रमण किया और अपने एकजुट होने का संदेश भी आम जनता के बीच रखा। इस दौरान कांग्रेस के पार्षदों का कहना था कि वे सभी एकजुट हैं और किसी भी तरह की कोई भी स्थिति निर्मित नहीं होगी। कांग्रेस के पार्षदों का कहना था कि वे कल भी एक थे, आज भी एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे और हमेशा ही एकजुटता के साथ इस तरह से जुटते हैं और यही कारण है कि वे चाय पीने के लिए यहाँ पर जुटे हुए हैं। हालांकि वे भाजपा के द्वारा कलेक्टर से मुलाकात के बाद मीडिया में आई खबरों के मामले में भी अपने विचार रखते नजर आए। क्या कुछ कहना था कांग्रेस के पार्षदों का और किस तरह से कांग्रेस के पार्षदों ने कांग्रेस शासित नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि के साथ नगर का भ्रमण किया, आपको सुनाते भी हैं और दिखाते भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। लोगों ने एक मीडिया के माध्यम से सुना जरूर है, लेकिन कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस परिवार के अध्यक्ष के साथ पूरे पार्षद, पूरे परिवार एकजुटता के साथ आप सामने देख रहे हैं। हमें तो लगता है वो हंसी के पात्र ना बन जाए। ये गलती उन्होंने कैसे कर ली हमें नहीं लगता। जब हमारा कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पूरे सभापति से लेकर सभी पार्षद एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो हंसी के पात्र बन जाए वो। देखिए, दोनों राजनीतिक दल हैं, बीजेपी कांग्रेस, तो विरोध तो तय है कि भाई विपक्ष है, विरोध करेगा। अब जो नगर पालिका एक्ट में प्रावधान है उनके अंतर्गत उनने अपनी मांग रखी है भाई, जो बचाव का जो लक्ष्य है वो अगर हम पूरा करते हैं तो हमारा लक्ष्य है वो, उसको हम पूरा करेंगे। कांग्रेस एक आवेदन भी उन्होंने दिया है कि इसमें नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर बात कही है। देखिए, परिषद की बैठक होती है, DIC की बैठक होती है और उनमें सब वार्तालाप होते हैं, अधिकार पार्षदों को हैं। अगर किसी बात से आप सहमत नहीं हैं तो आप उस चीज़ का बहिष्कार कर सकते हैं, कुछ चीज़ गलत होती है, वो अधिकार क्षेत्र की बात होती है। लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में अपन किसी प्रकार का, इस प्रकार का अगर आरोप लगाते हैं ये तत्वहीन है भाई। बात अगर हटाने की या रखने की होती उसमें बहुमत सिद्ध करने का है तो जिलाधीश महोदय को उन्होंने आवेदन दिए हैं, कांग्रेस हमारी आवेदन देगी और तत्व जो सही पाए जाएंगे उसके अनुसार काम होगा। हाँ, हम लोगों ने देखा है और सुना है मीडियम के माध्यम से, लेकिन हमारे अध्यक्ष के साथ हमारे 17 पार्षद अभी भी आपके सामने, मीडिया के सामने दिखाई दे रहे हैं। हम लोग एकजुट हैं, हम लोग अध्यक्ष के साथ। अभी आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं सारे? बस ऐसे ही सब लोग इकट्ठे हुए, इसलिए सब लोगों ने सोचा चलो चाय पीते हैं एक साथ। ये हम लोग, ये घटनाक्रम जो बीजेपी के द्वारा हुआ है तो नगर पालिका एक्ट में प्रावधान है 39 पार्षद जैसे नगर पालिका में है तो उनको 26 पार्षदों की अति आवश्यकता है जब वो अविश्वास प्रस्ताव लाएं।
और हम लोग 17 पार्षद कांग्रेस के हैं। हम लोगों को बचाव पक्ष के लिए 14 पार्षद चाहिए और जिसमें 17 और एक बीएसपी पार्षद का भी समर्थन हम लोगों के पास है। हम लोग कल भी एक थे, आज भी एक हैं और कल भी एक रहेंगे। चट्टान की तरह खड़े हैं, न हिलेंगे न डिगेंगे। हमारी परिषद पूरे 5 साल चलेगी, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अविश्वास हम लोग पास नहीं होने देंगे। भाजपा भी एक लीडिंग पार्टी है, अगर वो ये तथ्य लेकर आ रहे हैं तो कहीं आपको नहीं लग रहा है कि आपकी पार्टी में भीतरघात हो सकता है? नहीं, भीतरघात तो भाजपा में अधिक है क्योंकि उनमें 11 पार्षदों को अध्यक्ष बनना है, हमारे यहाँ किसी को अध्यक्ष नहीं बनना है। हम सब एक हैं और एक एक एकता के प्रतीक आप लोगों को सभी दिख रहे होंगे। कांग्रेस के कई लीडर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। जिन्हों को लाभ चाहिए था वो छोड़ के चले गए। हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए हैं, 20 साल 25 साल से लड़ रहे हैं, 15 20 साल से पार्षद हैं। हम लोगों को जाना होता और जनता के लिए लड़ रहे हैं, जाना होता तो बहुत पहले चले जाते। अब जाके वहाँ पर देखते हो, पहले दिन तो कुर्सी मिलती है, फिर बाद में कोई वहाँ पूछने वाला नहीं रहता। इसलिए जहाँ हैं घर में ही हम रहेंगे, अपने यहाँ रहेंगे, अपने घर में दुखी सुखी खाएंगे। दमोह की जनता को क्या संदेश देंगे? कि दमोह की जनता को यह संदेश देना चाह रहे कि आप भ्रमित ना हो, कांग्रेस परिवार आपके साथ है और 39 वार्ड में जो भी काम जनता के हित में होंगे भरपूर तरीके से किए जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जबरदस्ती का एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा भाजपा द्वारा जो कांग्रेस को सफल नहीं होने देगी। जय हिंद, जय भारत।